डिस्कस कंप्यूटर साइंस क्लास टू पेज नंबर है सिक्सटी टॉपिक है हमारे पास टेक्स्ट टूल यू कैन यूज द टेक्स्ट टूल टू टाइप टेक्स्ट इन आर ड्राइंग लेटर सी हाउ टेक्स्ट टूल को यूज करते हुए आप किस तरह ड्राइंग में टेक्स्ट टाइप कर सकते हो देख इधर हम देखते हैं इन द टूल ग्रुप क्लिक द टेक्स टूल टूल्स ग्रुप में हम टेक्स टूल को यूज कर सकते हैं क्लिक इन द ड्राइंग एरिया वेयर यू वांट टू ऐड टेक्स्ट और उसके बाद हम क्लिक करेंगे ड्राइंग एरिया में जहां पर हम उसके बाद हम ड्राइंग एरिया सिलेक्ट करेंगे जहां पे हम कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं कोई भी टेक्स्ट एड करना चाह रहे हैं वो वाला नोटिस दैट द टेक्स टैब अपेयर इन द मेन टूल बार टेक्स्ट एप कहाँ पे अपेयर होता है हमारे पास मेन टूल बार में इन द फ़ॉन्ट ग्रुप सेलेक्ट फ़ॉन्ट साइज एंड स्टाइल फ़ॉन्ट ग्रुप में हम टेक्स्ट का साइज भी स्टाइल भी और कलर भी ये सारा कुछ हम सेलेक्ट कर सकते हैं इन द कलर्स ग्रुप क्लिक कलर वन एंड देन क्लिक अ कलर फॉर द टेक्स्ट टेक्स्ट का जो भी हम कलर रखना चाहें उसके लिए हम कलर ग्रुप से कलर वन को सेलेक्ट कर लेंगे टाइप द टेक्स्ट, उसके बाद हम जो टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे हैं वो हम टेक्स्ट टाइप कर देंगे ये हमारे पास पेंट सॉफ्टवेयर की मेन विंडो है जहाँ पे कोई भी हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं फर्स्ट हमने क्या करना है द टूल टूल्स ग्रुप क्लिक द टेक्स्ट टूल टेक्स्ट टूल पे हमने क्लिक कर, कर लेना है क्लिक इन द ड्राइंग एरिया वेयर यू वॉन्ट टू एड टेक्स्ट और जो हमने एरिया सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे हम टेक्स्ट कोई भी एड करना चाह रहे हैं द फाउंड साइज एंड स्टाइल यहाँ पे फाउंड स्टाइल और साइज ये हमारे पास बोल्ड है अटैलिक है अंडर है ये हमारे पास फाउंड साइज है हम साइज कितना रख, रखना चाह रहे हैं यहाँ पे सेवेंटी टू तक हम साइज रख सकते हैं सेलेक्ट द कलर कलर कोई भी इस कलर प्लेट से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं देन टाइप द टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जैसे उन्होंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है वेलकम टू विंडोज सेवन प्रोफेशनल अब यहाँ पे अपना नेम राइट कर सकते हो स्कूल का नेम राइट कर सकते हो जो आप राइट करना चाहो टेक्स्ट टूल से आप वही चीज़ राइट कर सकते हो नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट टूल यू कैन यूज़ द सेलेक्ट टूल टू सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ़ द ड्राइंग फॉलो द स्टेप बिलो नीचे दिए गए स्टेप को आप हाँ, फॉलो कर सकते हो किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए इन द इमेज ग्रुप क्लिक द डाउन एरो अंडर सिलेक्ट इमेज ग्रुप से आप डाउन एरो को सेलेक्ट कर सकती हो डू वन ऑफ द फॉलोइंग टू सेलेक्ट एनी स्क्वायर और रिक्टेंगल पार्ट ऑफ द ड्राइंग क्लिक रिक्टेंगल सिलेक्शन एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू सेलेक्ट दैट पार्ट ऑफ द ड्राइंग जो भी आपने ड्राइंग का पार्ट सेलेक्ट करना है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो स्क्वायर कर सकते हो रिक्टेंगल कर सकते हो ट्राइंगल कर सकते हो कोई भी आप अपनी मर्जी जो शेप लेना चाहो वो अपनी मर्जी से आप ले सकते हो टू सेलेक्ट एनी इेगुलरली शेप्ड पार्ट ऑफ द ड्राइंग क्लिक फ्री फॉर्म सिलेक्शन एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द ड्राइंग इरेगुलरली शेप्ड हमारे पास कौन सी होती हैं जो हमारे पास एनी लेंथ एंड साइज जिसकी हमारे पास कोई भी लेंथ और साइज हो सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं इरेगुलर माउस को ड्रैग करते हुए हम कोई भी पार्ट उसका ड्रा कर सकते हैं टू सेलेक्ट द होल पिक्चर अगर हम पूरी पिक्चर को ड्रा करना चाह रहे हैं क्लिक सेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट ऑल पे हमें क्लिक करना पड़ेगा टू सेलेक्ट एवरी थिंग इन द पिक्चर एक्सेप्ट फॉर द करंटली सिलेक्टेड एरिया क्लिक इन वर्ड सिलेक्शन अगर हम पिक्चर का बाकी सारा हिस्सा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जो हमने करंटली किया था वो नहीं उसके अलावा जो बाकी हिस्सा करना चाह रहे हैं तो क्लिक इन वर्ड तो उसके लिए हमें इन वर्ड सेलेक्शन क्लिक करना पड़ेगा टू डिलीट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्लिक डिलीट डिलीट करने के लिए हमें क्लिक डिलीट पे ही करना पड़ेगा ये हमारे पास फिगर दी हुई है यूजिंग द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल क्लिक डाउन एरो अंडर सिलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू सेलेक्ट इस ये जो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है ना इसमें से हम सिलेक्ट एनी रिक्वायर्ड ऑप्शन कोई भी ऑप्शन हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हम किसी पिक्चर को रोटेट करना चाह रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से रोटेट लेफ्ट राइट डाउन अप सारा हम रोटेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नीफायर टूल मैग्नीफायर टूल क्या होती है हमारे पास किसी भी चीज़ को हमें बड़ा करके दिखाती है कोई भी हमारे पास ये शेप वगैरह है ये वाली जो है ये शेप्स हैं इन्हें अगर हम बड़ा करके देखना चाह रहे हैं तो हमें मैग्नीफायर टूल यूज़ करना पड़ेगा यू कैन यूज द मैग्नीफायर टूल टू जूम इन ऑन द पार्ट ऑफ द ड्राइंग एंड सी इट मोर क्लोजली ज़्यादा क्लोज करके हम किसी भी ड्राइंग को या पिक्चर को देख सकते हैं इन द टूल्स ग्रुप क्लिक द मैग्नीफायर टूल मैग्नीफायर टूल ये हमारे पास है ये देखो ये हमारे पास मैग्नीफायर टूल है इसे हमने सेलेक्ट कर लेना है मूव द मैग्नीफायर एंड क्लिक ऑन द पार्ट ऑफ द ड्राइंग यू वांट टू जूम इन ऑन ये देखें इससे हम करना चाह रहे थे जूम करके देखना चाह रहे थे तो हम मैग्नीफायर यहाँ सेलेक्ट किया और मोव पॉइंटर के जरिए से उसे यहाँ पे ले आए इसपे हम क्लिक जितना क्लिक करते जाएंगे ये उतना ही जूम इन होकर हमें नजर आता जाएगा मोर क्लोजली ज्यादा क्लोज होके इसे करना चाह रहे हैं इसे इसे किसी पिक को भी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम मैग्निफाइर का यूज़ कर सकते हैं क्लिक इट वंस जब हम इसे एक दफ़ा क्लिक करते हैं द ड्राइंग इज मैग्नीफाइड बाय टू हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड परसेंट वो हमें बढ़ाओ के नज़र आता है नोटिस दैट द स्लाइडर एट द बॉटम शो टू हंड्रेड परसेंट यू कैन यूज आल्सो मूव द बार इन द स्लाइडर टू मेक द ड्राइंग स्मॉलर और लार्जर यह हमारे पास स्लाइडर है यह भी मैग्नीफायर की तरह काम करता है अगर हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे राइट साइड पे तो यह जूम इन होता जाएगा जितना जूम इन जितना बढ़ा करके हम देखना चाह रहे हैं ड्राइंग को अगर इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो यह हमारे पास जूम आउट होता जाएगा यानी छोटा होता जाएगा उतनी ही पिक इधर हमारे पास इस स्लाइडर के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है ड्रैग द हॉरीजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रोल बार्स ऑन द बॉटम एंड राइट साइड ऑफ द विंडो टू मूव अराउंड द पिक्चर टू जूम आउट यू कैन राइट क्लिक द माउस और मूव द स्लाइडर एट द बॉटम टू द लेफ्ट बॉटम टू द लेफ्ट जूम आउट होता जाएगा और अगर हम इस वाली साइड को सिलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम इन होता जाएगा उतनी पिक बड़ी होकर हमें नज़र आएगी जो भी हमारी ड्राइंग होगी अगर कोई भी हमारे पास वैसे कोई पिक्चर है उसे हम जूम इन जूम आउट करके देखना चाह रहे हैं तो हम एक तो मैग्नीफायर से दूसरा ये स्लाइडर से हम देख सकते हैं